पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए तैयारी पूरे जोर शोर से चल रहा है। और इसी बीच दूसरे चरण के चुनाव के पहले आयकर विभाग ने बिहार के अलग अलग जिलों में छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की 30 अलग अलग टीमों ने पूरे बिहार के अलग अलग शहरों में जाकर छापा मारा है। आयकर विभाग ने छापे में नल जल योजना से जुड़े दो ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है। दो ठेकेदारों के 15 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छानबीन की है और उसमें बेहद महत्वपूर्ण कागजात और करोड़ों रुपयों के साथ साथ ज्वेलरी भी बरामद हुआ है। आगे आपको पूरी खबर अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आयकर विभाग की तरफ से यह छापेमारी एक साथ कई स्थानों पर गुरुवार की सुबह 9 बजे से शुरू हुई और देर रात तक चलती रही। जिन जिन जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा उसमें पटना, कटिहार, भागलपुर और गया जिले शामिल हैं। गया में स्टोन चिप का व्यापार करने वाले 8 से ज्यादा व्यापारियों के यहाँ विस्तृत सर्वे किया गया। इस सर्वे में टैक्स से जुड़े गड़बड़ी के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं। सभी व्यापारियों जिन्होंने टैक्स में गड़बड़ किया है उन्हें टैक्स जमा करने से संबंधित नोटिस भी थमा दिया गया है। आयकर विभाग के द्वारा भागलपुर के एक ठेकेदार और उनकी कंपनी के सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इनके पास भी संपत्ति के काफी दस्तावेज मिले हैं जिसकी जांच चल रही है और जांच के बाद इनके ऊपर आयकर विभाग अपने तरफ से उचित कार्रवाई करेगा। इसके अलावा कटिहार के एक ठेकेदार के यहाँ भी आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है। इनके पास से करीब 10 लाख कैश के अलावा जमीन जायदाद के कागजात मिले हैं। फिलहाल इनके संपत्ति की भी जांच चल रही है। हमने ऊपर जिस भागलपुर के ठेकेदार के बारे में बताया और अब जिस कटिहार के ठेकेदार की बात कर रहे हैं, यह दोनों ठेकेदार मुख्य रूप से कई सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी करते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने पटना के दो ऐसे ठेकेदारों के ठिकानों पर छापा मारा है जो मुख्य रूप से नल जल योजना में ठेकेदारी करते हैं। आयकर विभाग ने इन दोनों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इन दो ठेकेदारों में से एक ठेकेदार गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। पटना में इनके पास 3 मकान है, पटना के हनुमान नगर में 2 और पाटलिपुत्र कॉलोनी में 1 मकान है। हनुमान नगर का एक मकान तो पूरी तरह से कमर्शियल है। इसके अलावा कुछ दिन पहले इन्होंने दीघा में बंद पड़ी एक महाकाली मिलिंग कंपनी की बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदी है। इनके हनुमान नगर से काली मंदिर रोड और पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित आवास से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा 20 से ज्यादा संपत्ति के कागजात भी मिले हैं जिसमें नोएडा, पटना और गाजियाबाद में प्लाट और फ्लैट के दस्तावेज शामिल हैं। अब तक की जांच में 25 से 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। अब आयकर विभाग अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा पटना के एक और ठेकेदार के ठिकानों पर टीम ने छापा मारा। इन ठेकेदारों की कंपनियां मुख्य रूप से नल जल योजना के अंतर्गत होने वाले कामों को कराती हैं। आयकर विभाग को कंकड़बाग एवं अगम कुआं में इनके आवासीय परिसर से 67 लाख कैश मिला है। इनके पैतृक घर हिलसा में भी छापेमारी की गई है जहां से बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनके पास से करीब 1 दर्जन स्थानों पर संपत्ति के कागजात मिले हैं। इसमें पुणे और इंदौर में भी 2 मकानों के बारे में पता चला है। इनके पास से भी निवेश और जमीन से जुड़े काफी कागजात बरामद किए गए हैं। सबसे जरूरी है कि यह दोनों के दोनों ठेकेदार नल जल योजना से जुड़े कामों को अपनी कंपनी के जरिए कराते थे और विपक्ष पिछले कुछ महीनों से लगातार सरकार पर नल जल योजना के साथ साथ 7 निश्चय में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। अब चुनाव के समय में ऐसे ठेकेदारों पर छापेमारी और फिर करोड़ों का कैश मिलना विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया रास्ता दे सकता है। तो वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर नल जल योजना से लेकर 7 निश्चय में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बयान दे रहे हैं और अब उन्हें भी एक नई ताकत मिल सकती है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी और इस भ्रष्टाचार में जो भी दोषी होगा उसे जेल भेजा जाएगा। चिराग ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जेल भेजने की धमकी दे डाली है। फिलहाल इस छापेमारी पर विपक्ष तंज भी कस सकता है कि ठीक चुनाव के पहले अपनी छवि अच्छी पेश करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। आगे जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।